नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से जहां एक ओर आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस गंभीर बीमारी की घड़ी में भी पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी आज भी जनता की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा करके तत्पर दिखाई देते हैं। वहीं युवा एकता परिषद की महिला इकाई के संरक्षक रिया लवलेस रजक जी के जन्मदिन के मौके पर परिषद के प्रदेश संयोजक कुशाग्र पांडे के निर्देशन में युवा एकता परिषद के छात्र इकाई के जिलाध्यक्ष अमन शुक्ला आर्यन के नेतृत्व में चेक पोस्ट पर ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों को स्वल्पाहार भेंट कर फूल माला अर्पित कर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने भावुकता के साथ ही युवाओं का धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर ASP शिव कुमार वर्मा, सिविल लाइन थाना प्रभारी शिव पूजन सिंह, चौराहटा थाना प्रभारी अरविंद दुबे, समान थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा, युवा पत्रकार राज पांडे, सुनील तिवारी, परिषद के छात्र इकाई जिलाध्यक्ष अमन शुक्ला आर्यन, शिवा त्रिपाठी, सोनू तिवारी, देवेंद्र पांडे, गुड्डू अरुण रावत समेत अन्य कई जागरूक युवा उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरदार न्यूज की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। देख रहे हैं जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, तो इसके प्रकोप से जो वैश्विक जिसके प्रकोप से सारे जनता है तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, तो इस मुश्किल में भी जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी हमारे सहयोग के लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए हम लोग आज स्वल्पाहार और फूल के माध्यम से उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। और इत्तेफाक से आज हमारे युवा एकता परिषद की महिला या संरक्षक इकाई, मतलब युवा एकता परिषद के महिला इकाई की संरक्षक रिया लवलेस रजक का आज जन्मदिवस भी है। तो उसकी इस विपक्ष में परिषद के प्रदेश संयोजक कुशाग पांडे के निर्देशन में हम युवा भाई सब यहाँ पास पुलिस को वही स्वल्पाहार देकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं यहाँ पास। एक तरफ जहाँ उस तरह के उद्दंडी युवा हैं जो लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, बार बार समझाने की बात भी नहीं मान रहे, तो उसके लिए हम लोग जो सख्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी युवा हैं जो लगातार गरीबों के लिए और साथ में पुलिस हमारा बल लगा हुआ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनको लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें और मनोबल बढ़ाने के ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिससे पुलिस का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। साथ में पुलिस को भी उन युवाओं के प्रति सहानुभूति हो रही है कि लगातार ऐसे मौसम में और ऐसे वक्त में वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से रीवा शहर के वो युवा और साथ में स्वयंसेवी संगठन बधाई और पुलिस की शुभकामनाओं के पात्र हैं कि वो लगातार ऐसा सहयोग कर रहे हैं। और ऐसी अपेक्षा भी है कि लॉकडाउन जब तक ही चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करें और जो नियम निर्देश दिए जा रहे हैं उनका लगातार पालन करें। धन्यवाद।